कौन और पे बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? मैं नवी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हो? नवी बोल रहा हूँ, नवी है रवि। अच्छा रवि। अच्छा, रवि बोल रहे हो हिमाचल में। अच्छा हाँ जी, बोलो भाई। तो क्या इशू हो गया भाई? हाँ, क्या इसको इश्यू हो गया? क्या क्या बोल रहे क्या हो गया, लड़े जा रहे हो भाई? अब होता है अगर तुम किसी के होटल में जा रहे हो, ठीक है, अब सामने वाले का वो बिजनेस है, अगर वहां पे मेरे सब्सक्राइबर मेरे से मिलने आ रहे हैं तो क्या सामने वाले बंदे को क्या लगेगा? भाई, वो ना आपसे सब्सक्राइबर से पहले ना बैकपैकर बाबा के, मतलब वो भी मेरे को जानते हैं। बैकपैकर जो बाबा है ना, वो भी मेरे को जानते हैं, मतलब वो भी मेरे नोनी है वो ना। मैं समझता हूँ अर्पित, तो उस चीज का देखो हाँ वहां पे भी बोल रहा था यार कि यार तुम्हारे बंदे आ रहे हैं, इनको आने मत दो यार, बिजनेस है अपना, ये है वो है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात भाई, जब आप निकल गए हो ना, उसके 2 दिन बाद मैंने बोला है कि बैक बैकर्स में पूछ लो। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि ये उधर ही मिलेंगे आपको, मैंने सिर्फ अर्पित, मुझे हाँ ये सुनने में आया कि तुम फिर ओ बाकी हिमाचल वाला रोस्टर करके उसके साथ तुम ये शेयर कर रहे थे? भैया, बुरा तो लगेगा ना जब कोई ब्लॉक नहीं कर देगा आपको मतलब डायरेक्ट। समझता हूँ, मैं समझता हूँ समझता हूँ, बुरा लगता है, ओके मैं मान गया इस चीज को, ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से सॉरी मांगता हूँ, कोई नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा। बट क्या तुमने जो उसके बाद डिसीजन लिया, क्या वो राइट डिसीजन था? भैया मेरी बात सुनो, अभी एक एक ना एक मतलब प्रैक्टिकली एक ना सिचुएशन बनाते हैं। सपोज करो देखो इसको मैं, पहले चीज बता दूं, इसको रोस्टिंग नहीं बोलते हैं जो चीज ये करते हैं ना, जैसे हिमाचल, और तुम एक खुद यूट्यूबर हो, तुम जानते हो रोस्टिंग क्या होती है? अरे इनकी ना एक कम्युनिटी है ना भाई, उसमें मेरा एक क्लासमेट, आप जानते हो क्या नाम था जिसने मेरे को रोस्ट करा था यार, वो इनकी इनका नोन था वो, ठीक है। मैंने उसको बताया कि यार मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं भाई मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं इनको रोस्टर मानता ही नहीं हूँ, रोस्टर थोड़ी ना ये, तो ये मतलब वर्ल्ड क्लास टॉप वो बंदे हैं जिसे घटिया इंसान जिन्हें बोलते हैं ना। यार हिमाचल वाला रोस्टर की अरे नहीं मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, शायद मुझे जहां तक मुझे लगता है वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है, या तो ऐसा लगता है मुझे, देखो, इवन भैया मेरे सुनो, भैया सुनो, देखो मिलने को ना मैं भी आ सकता था आपके पास, पता है मेरे तो बैकपैकर्स वाले नॉन भी थे। मैं आपको चैट दिखाऊंगा, उस बंदे ने मेरे को पूछा सिर्फ कि बैकपैकर्स कहाँ पे है, मैंने बोला मैक्लोडगंज में है, बस इतनी बात हुई थी। मैंने भेजा नहीं किसी को स्पेशली, मेरे को बोलते हैं ये हिमाचल वाला, हिमाचल वाली बैकपैकर्स में, क्योंकि आपने तो वीडियो डाल दी थी वो प्रॉमिस डे वाली, वो वाली। आई थिंक तो मुझे किसने, शिवानी ने बताया था कि या अर्पित बोल रहा है, या तो मैंने कहा यार ये तो गलत है, हाँ, वो मैंने मैसेज करा ना कि मैंने बोला आप निकल गए हो, मैंने बंदे भेजे थे। बंदे भेजे का बहुत मतलब बहुत ये नहीं है कि यार मैंने अर्पित भेजे। बहुत, देखो बहुत मुश्किल हो जाती है, तुम समझते प्रधान, तुम बैकपैकर्स को जानते हाँ हो, हाँ तो जानता हूँ उसने ये जानता बात मुझे 10 बार बोली यार कोई फैन फोन नहीं चलेगा यहाँ पे यार, बाहर बाहर भेजाओ, तो अच्छा नहीं लगता है भाई। भाई। जिन जो मतलब जिन्होंने मेरे से पूछा था ना कि आप कहाँ पे हो, वो तो आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला उनको, आपसे लगे थे तब तक। मेरे को तो रियल टाइम हाँ लोकेशन भी नहीं पता थी मैं आपकी। भाग गया था ब्रो, क्योंकि तो भी मैंने बोला कि मैंने कहा मेरे को बोलो कि कॉल करने को। आपका नंबर था वो जो हाँ उन्होंने दिया नहीं, था, हाँ तो आपको कैसे मिल गया मेरा नंबर फिर? नहीं मुझे तो मिल जाएगा किससे अर्पित किससे, ऐसा कौन है बंदा? नहीं, मुझे मिल जाएगा कहीं से भी, वो मैं नहीं बताऊंगा। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। इन्होंने ना मेरे से कांटेक्ट करा कि ऐसे ना मतलब कोलैबोरेशन करते हैं ऐसे वैसे, तो मैं भी उसमें था कि हाँ यार कोलैबोरेशन कर लेते हैं, पर मेरे को ना थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो अच्छा हमारा ना कोलैबोरेशन ना अधूरा रह गया, फिर ये आ गया आपके पास। अच्छा तो ये दोस्ती थे मेरे, मतलब अभी हम बड़ी सारी बातें करते थे, आपने भी तो इनकी आईडी से मेरे से बात करी थी, पता होगा आपको। हाँ अर्पित, हाँ हाँ, करिए तो आपने फिर इन्होंने मैसेज करा था कि हिमाचल वाला बात कर रहा था, ऐसे ले रहा था तेरी, वो जो आपने मजाक करा कि ऐसे पैसे वगैरह लिए हिमाचल वाले ने, तो फिर इन्होंने क्या किया, ये बोला मजाक में, चल ठीक है, अच्छा अच्छी दोस्त है मेरी, मजाक कर लिया होगा। फिर क्या हुआ, इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, मैंने इनको ऐसे मुबारकें दी, होता ही अब दोस्त है मेरे, मैं मुबारकें दूंगा कि 1 लाख हुए मेरी दोस्त के सब्सक्राइबर हुए, मैं तो अरे मुबारकें हाँ दूंगा, हाँ कोई इशू नहीं। है ना, मैंने मुबारकें दे दी। यार आगे से ब्लॉक हो गया मैं। अब भैया देखो, ब्लॉक एक्चुअली अर्पित, हाँ ब्लॉक तुम्हें मैंने किया था, कोई ना फिर तुम करते रहो मेहनत, बाकी कभी मिलेंगे, ठीक है, पक्का नेक्स्ट भाई, टाइम पक्का आते हैं धर्मशाला तो बनाओ कोई प्लान, ठीक है। पक्का भाई। और बताओ सब बढ़िया? बढ़िया, आप बताओ आंटी कैसे हैं? हाँ अभी तो भाई फिलहाल ठीक है, घर में जाके पक्का कंफर्म होगा। ठीक है भाई, चलो फिर रखता हूँ मैं ठीक है भाई, ठीक है। ना, ओके। जय शंकर भाई जी, जय शंकर जी महाराज। तो मैं आज फिर से एक और वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो बस यही है कि आपको इस वीडियो में भी यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो आजकल सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो चल रही है हिमाचल में सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, जो है हिमाचल वाला रवि जी और हिमाचल वाली शिवानी जी के बीच।
तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जो शिवानी जी ने सारा कुछ बताया रवि जी के बारे में, तो उसके बाद जो है रवि जी ने फिर से उस पर रिप्लाई करा उस वीडियो पे। जो वीडियोस का रिप्लाई आया और उसमें आप देखेंगे तो रवि जी ने कई ऐसी चीजें बताई जो हमें नहीं पता थी, लेकिन जो मेन चीज थी उन्होंने उस वीडियो में एक भी जो है प्रूफ जिसे बोलते हैं कि जैसे शिवानी जी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले जिससे साबित होते कि हाँ ये सही है, तो वो चीजें भी नहीं डाली। और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो स्क्रीनशॉट उनके द्वारा डाले गए हैं वो सारे झूठे हैं, वो सब गलत हैं। तो उसमें जो सबसे गलत चीज की गई रवि जी के द्वारा कि उन्होंने घर वालों को भी बीच में ले आए कि जो लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच में चल रही थी, तो उसमें कोई बनता नहीं था कि आप अपने घर वालों को भी बीच में लाएं। आपके घर में बहनें हैं, उनके घर में है माता है, तो काफी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं आपके रहने के ढंग को भी, क्योंकि जितना आप लोग ऐसा करेंगे उतना ही दुनिया आपसे दूर जाती रहेगी। देखिए जो भी कलाकार है चाहे वो YouTube पे है, Facebook पे है, चाहे दुनिया में है, मैं ये बात करूंगा चाहे दुनिया में है, उसे सिर्फ ऊपर लेके जाने वाली है जनता, उसे नीचे लेके आने वाली भी है जनता। तो मैं यही कहूंगा ये चीजें जो है इसे पीछे ही खत्म कीजिए, जनता के बीच ना लाइए ताकि आपको उस चीज का बाद में दुख हो कि हमने गलत कर दिया। तो रवि जी की वीडियो आई, रवि जी की वीडियो के बाद शिवानी जी ने फिर से वीडियो डाली। अब उसमें उनके द्वारा बताया गया, जैसे इन्होंने कहा कि जो इनकी माता के साथ जो है वो ऐसे ऐसे कपड़े चेंज कर रहे थे, देखिए गलत है, लेकिन जो उनके द्वारा बोला गया, देखिए एक माँ का बेटा ऐसा बोल सकता है तो हम क्या कहें, तो वो चीज में भी रवि जी जो है गलत थे, बट उनके द्वारा उसकी कोई प्रक्रिया नहीं आई। देखिए पूरी बात आपको भी पता है, आपने भी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हार के फिर से जो है शिवानी जी की जो वीडियो आई उसमें उन्होंने स्पेशल इस बार रिकॉर्डिंग भी डाली जिसमें इनका गाली गलौज का सारा रिकॉर्डेड है, तो उसमें भी बताया गया, शिवानी जी के द्वारा भी इनकी फैमिली को लेके आया गया, इनकी बहनों को लेके आया गया, इनकी माँ को लेके आया गया, तो वो चीज जो है वो सही नहीं है। अब इनकी एक बहन है दीक्षु ब्लॉग्स, उसने भी एक ब्लॉग डाला जो है शिवानी जी के लिए, लेकिन वो ब्लॉग जो है उसने डिलीट कर दिया। और उसके बाद जो है रवि से उसने फिर से पूछा कि रवि मैं इसके लिए और ब्लॉग डाल दूं, रवि ने कहा तुम्हारी मर्जी है, डालने हैं डालो, नहीं डालने ना डालो। तो इसमें भी रवि जी को कहना चाहिए था नहीं, क्योंकि देखिए मेनली जो इफेक्ट करता है आपके रिलेशन को करता है, फैमिली को करता है, लोग जिस तरह से आपको जानते हैं वो चीजें इफेक्ट करेगी चाहे कुछ भी हो। अब उसके बाद जो है रवि जी ने अपनी वीडियो में ये भी बोला कि शिवानी जी है हमारे कल्चर के बारे में बात करती थी, जो इनका गद्दी कल्चर है, तो मैं उसके लिए भी बताना चाहूंगा। देखिए शिवानी जी की अगर आप वीडियो देखेंगे जो उन्होंने डाली थी, तो उसमें भी उन्होंने गद्दी कल्चर को प्रमोट ही किया है, प्रमोशन ही करी है उसकी, जो शादियों में हुआ है इनके वहां पे गाँव में। तो उस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सही नहीं है। बट उसके बाद अभी जो वीडियो आया है रिसेंट, अभी उसकी माफी चाहूंगा, अभी शिवानी जी की माता जी का जन्मदिन था, तो उस दिन उन्होंने लाइव आके इस चीज का वीडियो डाला, सारा कुछ बताया उसमें कि कैसे कैसे रवि यहाँ आता था, चोरी छुपके उसने जो है शराब ली, जो शराब पीता था, उसके बाद सिगरेट के पैसे नहीं होते थे, वहां जाने के पैसे हमने दिए। अभी ये चल रहा है इनके बीच में कि वो कह रही है कि तुमने पैसे दिए हैं, वो कह रही है कि तुमने पैसे दिए हैं, जो रवि जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं कम से कम शिवानी जी पे पिछले 2 सालों में। 20 लाख देखने को होता है, 20 लाख बोलने को होता है, तो खर्च कर दिए कहाँ किए वो हम नहीं बता सकते, ना ही हमें पता है। तो अभी एंड में ये बात है कि अभी दोनों तरफ से शांति है, शिवानी जी कह रहे हैं कि अभी हम इस चीज को खत्म करें, लेकिन उनके द्वारा जो प्रूफ्स बताए गए हैं, और उसके बाद अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने हिमाचल वाला की वीडियोस देखी, उसमें सारी वीडियोस उसकी डिलीट हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं बताना चाहूंगा कि क्यों डिलीट की गई वीडियोस, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो। हो सके तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग्स भी ऐड करूंगा जो मेरे पास कुछ पड़ी हुई है हिमाचल वाला की, ताकि आप उसे सुनो। और आखिर में बस यही कहूंगा कि देखिए हिमाचल वाला आपको जो है काफी इफेक्ट हो गया, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी 5,95,000 रह गए आई थिंक, वेयर एज पहले 6 लाख अबव थे। तो आप प्लीज इस चीज को खत्म कीजिए।
ताकि ये अब और आगे ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग काफी कीचड़ उछाल चुके हो एक दूसरे के ऊपर। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको पिछली बार की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जय शंकर जी महाराज, जय भोले। मच ड्रामा, बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा कर दिया आपने। हाँ, और क्या बोल रहे हो कि मैं आपको गालियां देती हूँ? मेरे को ना फ्रस्ट्रेट करना बंद करना, माँ कसम बहन चोद दूंगा मैं तुम्हारी, समझ रही? बहन की लोड़ी तू क्या रंडी है क्या मतलब, तू कितनी फुद्दू सोच की लड़की है तू बे, कितनी लोड़ी है तू, माँ कसम है तू मर जा रंड बहन चोद। दिल 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 तेरी माँ की चू, तुझे नहीं पता है तेरे को नहीं प्यार करता था बहन की लोड़ी में? माधव चोद एक से तेरे पीछे किया क्या नहीं रंडी, शर्म कर ले बहन की लोड़ी, रसी बोली शर्म कर ले। तो इसके बाद